दिस इज सेक्शन 4। यहीं से क्वेश्चन पहले आता है कि समटाइम्स आई हैव सीन द स्टूडेंट्स दैट दे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, दे टेक इट टू सेक्शन 4 एंड दे टेक मे, प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ टू दी सेक्शन 3। तो डोंट स्विच ओवर दिस, बी वेरी स्पेसिफिक। दिस इज सेक्शन 4, मे प्रिज्यूम डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद 3 एक्सप्रेशंस, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन आता है। आप कहेंगे इतनी सिंपल सी बात है, क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं इससे मुश्किल करूं कैसे इसको? इतनी आसान चीजें हैं, लेकिन वहीं पर एग्जाम देने जाते हैं तो यही आसान चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पढ़िए जरा क्या कहता है। मे प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट दैट the court may presume a fact, court may presume a fact whenever their use of word may presume। जब कभी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि may presume है, इसका मतलब है it means court has discretion, court has discretion to think otherwise also। क्या may presume a fact, then it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it। दो बातें हो गई। क्या बातें हो गई? This is, these are the may presume में may regard it as proved, ये मान ले कि साबित हो चुका, और कॉल फॉर प्रूफ। समझिए क्या कि जब कभी ये शब्द का प्रयोग हुआ कहीं पर भी, आपको दिखाया मैंने मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तमाम उसमें भी और पढ़ेंगे हम लोग अभी। सेक्शन 113 में भी आएगा, है ना, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट सुसाइड, ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, इसमें मे प्रिज्यूम आएगा। तो वेन एवर देयर इज यूज ऑफ मे प्रिज्यूम इट मीन्स कोर्ट हैज डिस्क्रिशन। कोर्ट डिस्क्रिशन क्या क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन या तो ये है कि या तो नंबर 1 चॉइस, कोर्ट कैन ऑप्ट फॉर दिस, कि कोर्ट कैन रिगार्ड ए फैक्ट टू बी प्रूव्ड, यस दिस फैक्ट इज प्रूव्ड, नाउ यू इफ यू वांट टू डिसप्रूव इट यू ब्रिंग द एविडेंस फॉर इट, अदरवाइज कोर्ट से नो नो यू शैल ब्रिंग सम एविडेंस टू प्रूव इट, आई विल नॉट। कोर्ट कैन मूव दिस वे और दैट वे, इट मीन्स एज ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर आई हैव ए डिस्क्रिशन फॉर दिस। When we will read that shall presume, this discretion is not there, court is bound to act in that, in only in one direction। So इसको समझने के लिए आप practical application हम देखते हैं 113A में। पढ़िए जरा क्या है 113A के क्वेश्चन। पहली बात यहाँ से भी मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, डायरेक्ट मार्जिनल नोट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 113A presumption as to the abatement of suicide by a married woman कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 113A में। क्या कहता है पढ़ लीजिए। When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, जब प्रश्न ये है कि एक महिला ने जो सुसाइड की, आत्महत्या की है, क्या उसका अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण उसके हस्बैंड ने किया था, या हस्बैंड के रिलेटिव ने किया था, ये अगर ये प्रश्न है। When the question is whether the commission of suicide of the woman had been abetted by whom, by husband or her relative, this is the question, this is the question before the court। a woman has committed suicide, एक महिला ने आत्महत्या की है। कौन सी महिला है? मैरिड वुमेन है। उसने क्या किया? सुसाइड की है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? The allegation is that she was abetted for committing suicide by whom? By the husband or relative of the husband, means mother, father, brother, इन सब लोगों ने। तो उनके ये this is the question before the court। अब क्वेश्चन तो ये आ गया। Now what is the material before the court? This is the, and it is shown। What has been shown? See this। It is shown, and it is shown that she had committed suicide, number 1, within a period of how many years? 7 years, P4 prelims, for the, this is the question, for the application of section 113A, for the application of section 113A, the suicide should be committed within what years? Within 7 years, फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। एक क्वेश्चन क्लियर यहां से होगा, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट, सुसाइड विद इन 7 years of marriage. Second, and her husband or relative had subjected her to cruelty. ये second fact है. These are the facts before the court. Number one, woman committed suicide. Number two, that was the time duration, 7 years, within 7 years of her marriage. Second, thirdly, that the husband or relative of husband subjected her to cruelty. Then, अगर ये हो तब क्या होगा? आप समझ रहे हैं क्या कुछ बैकग्राउंड क्या है? The woman committed suicide. Fine. This was the question before the court, that whether this suicide was abetted by the husband or her relative or his relative. And this, secondly, this is the factual story. What has been that she committed suicide within 7 years, and her husband or relative subjected her to cruelty. तब कोर्ट क्या कर सकती? कोर्ट के पास ऑप्शन है क्या क्या? कोर्ट मे प्रिज्यूम, सी दिस इज द वर्ड ऑफ मे प्रिज्यूम, जिसको हम लोग सेक्शन 4 में मीनिंग पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। अब इसको समझिए यहाँ पर, कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड, सही है। ऐसा होने पर तो सेक्शन 113A द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर पढ़ा रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना। तो क्या क्या फैक्ट्स है? देयर द वुमन कमिटेड सुसाइड, नंबर वन, दैट सुसाइड वाज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। थर्ड, इट वाज शोन, इट वाज ऑन द रिकॉर्ड दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। नाउ दिस इज द मे प्रिज्यूम, मींस कोर्ट के पास अब डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट ये मान के चले कि दिस सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव। अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है ना, इफ द कोर्ट प्रिज्यूम्स दिस फैक्ट, देन द क्या फर्क पड़ेगा? देन एक टर्म होती है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूविंग। नो, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो अर्शान भाई साहब हैं, वो अर्शान भाई साहब ही वो देवता तुल्य हस्बैंड हैं जिनके पास से चार्ज लगे। तो अर्शान भाई साहब पे चार्ज है इस बात का कि जो मोहतरमा ने ऐसा किया है, वो तुमने उसका दुष्प्रेरण किया, यू फोर्स्ड हर, यू अबेटेड हर टू कमिट सुसाइड। नाउ इफ द कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट ही हैड अबेटेड, देन बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव द अदरवाइज, नो मैंने ऐसा नहीं किया, इट लाइज अपॉन द एक्यूज दिस टाइम, अगर कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम करती है। Otherwise, अगर कोर्ट गई नो आई एम नॉट टेकिंग अप दिस प्रिजम्पशन, देन प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव दिस फैक्ट विद अदर सपोर्टिव फैक्ट्स कि नो ही हैड अबेटेड। तो अबेटमेंट को सोसाइटी के फिर प्रोसिक्यूशन को और अधिक पर एविडेंस लेकर आने पड़ेंगे। अगर कोर्ट प्रिज्यूम करती है, देन अर्शान विल हैव टू प्रूव हिज इनोसेंस। तो ये सारा जो खेल है प्रिजम्पशन का, दैट डील्स, that ultimately deals with the upon whom the burden of proof lies. अब next fact को prove या disprove कौन पार्टी करेगी? तो मैं प्रिज्यूम का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, कोर्ट है द डिस्क्रिप्शन इन दिस केस। 113 समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। तो इस स्लाइड से समझ सकते हैं आप लोग, अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है ना कि भाई नो, तो देन बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन अक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। और अगर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करती, नो मे कॉल फॉर प्रूफ, इट और प्रूफ लेकर आइए, देन बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन प्रोसिक्यूशन। तो इट इज द केस ऑफ मे प्रिज्यूम। तो दिस इज मे प्रिज्यूम। 113A में ध्यान रखना, क्रुएल्टी हैव द सेम मीनिंग एज 498 आईपीसी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्रुएल्टी का मीनिंग कहाँ से ड्राइव करते हैं? 498 से ड्राइव करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, शैल प्रिज्यूम। दिस इज शैल प्रिज्यूम, अगेन वही बात। Whenever it is directed by this act that court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। ये ध्यान रखना। तो court shall regard such fact as proved। Evidence Act में क्या कहा गया? Court shall presume a fact। If the word there is word shall presume, then court shall regard, कोर्ट ऐसा करेगी, कोर्ट उसको प्रूव्ड मान के चलेगी। द कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, नो डिस्क्रेशन। अब देखिए इसमें क्या बात है, इसमें कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कोर्ट उस तथ्य को साबित मानेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक कि वो ना साबित ना हो जाए। इट मीन्स व्हाट, देयर इज ए स्कोप ऑफ डिस्प्रूविंग इट। द यूज ऑफ दिस फ्रेज, विच फ्रेज, सी द स्लाइड, द यूज ऑफ दिस फ्रेज अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, दिस इज द फ्रेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रेज? This is the what, unless and until it is disproved means it is a rebuttable presumption. Court shall presume a fact to prove, court ये माने कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर कोई सामने वाली पार्टी नहीं नहीं जनाब हमारे पास सबूत है ऐसा नहीं हुआ, तो ठीक है come with the proof. So it is a rebuttable presumption because of this word use of unless and until disproved means although court is presuming this fact to be proved, but you are at liberty to disprove it. समझना बात, जल्दी बताइए। ओके, तो नो सेकंड ऑप्शन एज इन द केस ऑफ मे प्रिज्यूम, ठीक है, नो डिस्क्रेशन इन द केस ऑफ व्हेन द फ्रेज इज शैल प्रिज्यूम देयर इज नो डिस्क्रेशन एंड कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम ए फैक्ट टू बी प्रूव्ड। कर लेंगे आप लोग। नाउ इसी तरीके से इसको आप देख ले सकते हैं 111A प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ फॉलोइंग कोई मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के सेक्शन पूछते हैं आपसे वो। एंड अगेन 113B वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन आएगा P4 प्रीलिम्स 113B का। 1986 में एडिट हुआ था ये, है ना। उसी तरीके से ध्यान रखना 113A में, 113A 1983 में ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम से पूछा जाता है। सो प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ में आप देखिए क्या है इसमें, व्हेन द क्वेश्चन इज, जब प्रश्न क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट, वेदर पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ ऑफ ए वुमेन। अब मिस्टर कार्तिकेय सिंह सेशन कोर्ट सेशन जज के सामने क्या प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति ने दहेज हत्या की है, दहेज हत्या का मामला है। तो कार्तिकेय जो है माननीय सेशन न्यायालय न्यायाधीश जो हैं इनके सामने एक इस प्रश्न है कि वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड डॉरी डेथ ऑफ वुमेन और नॉट। अब ये तो प्रश्न है, अच्छा जी सुलझाऊं कैसे। नाउ ही विल गो थ्रू द फाइल, यानी कि मैटर ऑन रिकॉर्ड। वो क्या है पढ़िए, क्या क्या दर्शित किया गया है, ये दर्शित किया दिया गया है। एंड इट इज शोन ये दर्शित कर दिया गया क्या, दैट सून बिफोर हर डेथ उसकी मृत्यु तुरंत पहले द वुमन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रूएलिटी, उस महिला के साथ क्रूएलिटी की गई थी और यह हरेसमेंट किया गया था, ठीक है। फोर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डोरी के डिमांड के संबंध में उस महिला के साथ क्रूएलिटी का बिहेवियर हुआ था या उसको हरेस किया गया था। मैं बहुत आम भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पिक करना है। इट इज शोन व्हाट, क्या दर्शित करा गया है कि द वुमन हैड बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, वुमेन के साथ उस महिला के साथ क्रुएलिटी हुई थी। किस लिए हुई थी, फॉर डिमांड ऑफ डॉरी के लिए हुई थी। सो दिस इज 113B। क्वेश्चन क्या है, डॉरी डेथ हुई या नहीं हुई। शोन क्या है, What is shown? This is shown. Woman was subjected to cruelty or harassment. क्यों? डॉरी के लिए। कब हरेसमेंट कब हुआ था? सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ शी दिस वुमेन वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरेसमेंट फॉर डॉरी। इट इज शोन मतलब इट इज ऑन रिकॉर्ड नाउ, ये तो दर्शित किया जा चुका, समझ रहे? इट इज शोन का मतलब है नाउ इट 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 ये डाउटफुल नहीं रहा, इट इज ऑन रिकॉर्ड नाउ, ये प्रूव हो चुकी बात कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी। नाउ इसी के बेस पर आएगा। अब इस अगर ऐसा है तब क्या करेगी? व्हाट इज द डायरेक्शन बाय द एविडेंस एक्ट टू द कोर्ट? सी द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड डॉरी डेथ। अगर ऐसा है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट यह प्रिजम्पशन लेगी कि उसी व्यक्ति ने उसकी दहेज हत्या की है। अब यहाँ पे शैल प्रिज्यूम का मतलब ये हुआ, शैल प्रिज्यूम का मतलब शैल यहाँ पे समझिए कि अब जो मीनिंग था शैल प्रिज्यूम का, लाइन पढ़ लिया आपने, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डेथ। अब इसके साथ पढ़िए आप, अनटिल एंड अनलेस। तो अगर ये साबित हो गया कि इट इज शोन दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम नो डिस्कशन दैट यू कमिटेड, मिस्टर अर्शान यू कमिटेड डॉरी डेथ। नाउ इट मींस व्हाट? नाउ अभी तक जो इन जनरल केस जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है एक्यूज्ड के फेवर में वो चली गई। अब नाउ यू आर प्रिज्यूम टू बी गिल्टी, नाउ यू कमिटेड डॉरी डेथ। Now if you want to prove your innocence, burden of proving the innocence lies upon the accused, and this is a very dangerous state, यही खतरनाक स्थिति। Now he will have, Arshan will have to prove his innocence, otherwise in general cases who is supposed to prove his case? Prosecution is supposed to the case, and that is beyond reasonable doubt. But once this presumption is raised against the accused under 113b, now it is the accused who will prove his innocence. तो दिस इज द केस ऑफ सेल्फ प्रिज्यूम। सो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, नो डिस्क्रेशन, सेक्शन 4 सेकंड पार्ट सेल्फ प्रिज्यूम, एग्जांपल 113b। जल्दी बोलिए क्या है, समझ में आया नहीं आया? देन कम्स द कंक्लूसिव प्रूफ। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अनदर फैक्ट। सो ऐसे कह दीजिए, एविडेंस एक्ट ने, एविडेंस एक्ट इज सेइंग one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, तब क्या होगा? The court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the suppose of disproving it। मैं इसको थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूँ। एक बादशाह थे, है ना, बादशाह थे, और अर्शान जो थे वहीं पर एक राज दरबारी थे। बादशाह थे और अर्शान साहब वहाँ दरबारी थे। उस बादशाह की एक खूबसूरत लड़की थी जिस पर अर्शान साहब का दिल आया हुआ था, मोहब्बत थी उनसे, लेकिन बहुत पाक मोहब्बत थी, बहुत शरीफ इंसान है अर्शान, ठीक है। किसी खुंदक में उस लड़की ने एक आरोप लगाया अर्शान पर कि जनाबे आली अर्शान ने उनके साथ अभद्रता की है, सही है। अब बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कहा कि बताओ बेटे क्या हुआ था कि अर्शान ने मेरे साथ अभद्रता की। नाउ इफ अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर वहां पे उस दरबार में ये कानून चलता हो कि जो बेटी ने ऐसा कहा, जो बेटी ने ऐसे कहा, तो बादशाह ये मानेगा कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि अर्शान ने अभद्रता की होगी। दिस फैक्ट ही शैल रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड नाउ ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, यानी कि ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द डॉटर, व्हाटएवर इज बीइंग सेड बाय हर दैट शैल बी रिगार्डेड एज प्रूव्ड। अब अर्शान मियाँ को बुलाया गया, हाँ भाई हाँ तुमने ऐसे कहा था, और इनके मुंह पे टेप लगा दी जाए। वॉट? नाउ यू विल नॉट बी अलाउड टू डिसप्रूव इट, वॉट एवर शी इज सेइंग शी इज राइट दैट स्टैंड्स प्रूव्ड। अब ये कितना ही छटपटा ले, ही वॉन्ट्स टू डिसप्रूव इट, ही वॉन्ट्स टू लीड एविडेंस कि नो मैंने ऐसा नहीं किया, बट इन दिस केस ही इज नॉट बीइंग अलाउड टू डिसप्रूव दैट फैक्ट। इट मीन्स वॉट, फुल स्टॉप। means what if the fact has been considered to be conclusive proof, then you are not allowed to disprove it. So when this is the state, we say this is the conclusive proof. In case of shall presume क्या था? अगर वो shall presume वाला formula fit करते तो क्या होता? Yes, बादशाह ये कहते yes my daughter said so। वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है। अगर उसने कहा है, उसके साथ अभद्रता हुई है, तो तुम अर्शान तुमने ऐसा किया होगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट, यू मस्ट हैव डन इट अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। इन दिस केस अर्शान इज बीइंग अलाउड टू लीड द एविडेंस टू डिस्प्रूव दिस प्रिजम्पशन। तो शैल प्रिज्यूम में रिबटेबल प्रिजम्पशन थी, कंक्लूसिव प्रूफ में देयर इज नो, इट इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन। You are not being allowed to even to disprove it. So got it? This is the conclusive proof. I believe कि this is आपको ज़्यादा समझ में आया होगा अर्शान मियाँ, ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत तरीका है समझाने का। Fact 1 and Fact 2 is conclusive proof of Fact 2. Fact 1 is conclusive proof of Fact 2. हालांकि मैं समझा चुका है इसको, बहुत समझाने जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। So in this case of shall presume and इसमें court shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. It means here in this case evidence can be given, evidence can you here read it, evidence can be given to disprove the presumed proved fact in this case. And when you are saying that this is the conclusive proof, so upon proof of one fact court shall regard it proved and shall not allow the evidence to disprove it. When you are not allowing the evidence to disprove it, then we say this is the case of conclusive proof. So basically we use it 112. Birth during the marriage, conclusive proof of legitimacy. 112 में इसको इस्तेमाल करते हैं, हालांकि डीएनए से थोड़ा डिस्प्रूव कर सकते हैं इसको भी। अब कंक्लूसिव प्रूफ, अब मुझे बताइए, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। जब बादशाह ने ये कहा कि अर्शान तुमने ऐसा किया होगा, बट बताओ तुम्हें क्या कहना है अपने को पाक साबित करने के लिए, अपने को इनोसेंट साबित करने के लिए, ठीक। तो नाउ प्रिजम्पशन हैज बीन रेज अगेंस्ट हिम, बट दिस प्रिजम्पशन इज रिबटेबल इफ द अर्शान हैज एविडेंस इन हिज फेवर, ही कैन डिसप्रूव दैट प्रिजम्पशन। एंड अगेन अगर ये कहा जाए, इसके मुंह पे टेप बांध दिया जाए कि जो कहा है वही सच है और इससे आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, तक लिया, बात खत्म, इट इज यूनिक। इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू रिबट इट। इट मीन्स इरिबटेबल प्रिजम्पशन हो गया अभी। और अगर मैं प्रिज्यूम होता, बादशाह कहते बेटी हमें भी पता है तेरी कितनी कहानियां और भी हैं, तो इट मैं प्रिज्यूम कह सकते हैं, मान भी सकते हैं उसकी बात और नहीं भी मान सकते। कहते नहीं और सबूत लाओ, वाकई में अभद्रता की थी, ये बात साबित करो बेटी तुम पहले। तो तीनों केस हो गए। तो आई बिलीव कि आपको मैं प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ का मीनिंग समझ में आएगा। तो आई बिलीव कि आज के लिए पर्याप्त है इतना।